आज हम लोग गोवा से निकल रहे हैं यार। सो आई एम लीविंग फ्रॉम गोवा नाउ। सुबह सुबह बाइक वाइक धोना पड़ा, थोड़ा बहुत गंदा हो रखा था यहाँ पे। सो बाइक वगैरह धुल गया है, इट्स ऑल चकाचक। अभी आई एम हेडिंग फॉर सॉरी बैंगलोर। विल मीट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स। यार गोप्रो पे थोड़ा इशू हो गया था, रीज़न बिंग कि मैंने कार्ड चेंज किया था बट उस पर ऑलरेडी कुछ डेटा था तो मैं भूल गया था मेमोरी से हटाना, तो उस चक्कर में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा यार शिट ये क्या हो गया है, तो फाइनली उसको सही किया डिलीट वगैरह करके, एंड नाउ वी आर बैक रिकॉर्डिंग। सो आई एम करेंटली रिकॉर्डिंग दिस एट 2.7K एट 60 फ्रेम्स अ सेकेंड, तो थोड़ा सा स्मूथ फुटेज आएगा डेफिनेटली, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। और या 4K 2.7K या फॉर स्क्रीन यूट्यूब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आई कुड हैव गॉन फॉर 1080p ऑल्सो, बट ठीक है थोड़ा बेटर रेजोल्यूशन रहेगा तो स्लाइटली मोर डिटेल्स, सो दैट विल हेल्प अगर कहीं जूम वगैरह करना है, जूम इन करना है एंड ऑल, राइट। सो यप वी आर बैक, ब्यूटीफुल गोवन रोड, वेरी नाइस रोड। वी विल बी गोइंग थ्रू अ नेशनल पार्क, सो या एंड ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग, सुपर एक्साइटेड। तो चलते गाइस, मज़े लेते हुए रास्ते के। सो गाइज अभी मैं ऑलमोस्ट गोवा के बाहर निकल गया हूँ। आई थिंक वी आर एंटरिंग नेशनल पार्क वाला जोन, तो वहाँ से निकलते ही आई थिंक अपना हाईवे आ जाएगा। अभी तक एक चाय की दुकान नहीं मिली यार ढंग की, जहाँ थोड़ी चाय पिया जाए। फीलिंग एक्सट्रीमली स्लीपी यार, तो सुबह उठ गया, कल रात को भी सोते सोते थोड़ा लेट हो गया था। कुछ वहाँ पर कुछ बंदे मिल गए थे हॉस्टल में, तो उनसे बातें करने में ही 12 बज गया ऑलमोस्ट। एक्चुअली मैं वीडियो देख रहा था उसका, मोटो जित्सु, गाइस कैन फॉलो हिम, तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ राइडिंग, बिकॉज ये बाइक मेरा ना एक दो बार गिर गया लो स्पीड्स में। सो देन आई वॉज नॉट कन्विंस, आई वॉज फीलिंग कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब नया गाड़ी है, समझ नहीं रहा क्या हो रहा हैवी बहुत है। एंड देन ही टॉट अ लॉट ऑफ टेक्निक्स दैट आई प्रैक्टिस्ड बिफोर कमिंग ऑन दिस ट्रिप, स्लो टर्न्स कैसे लेने हैं, हाउ डू यू बैलेंस द बाइक, एंड स्पेसिफिकली बिग बाइक्स, राइट। सो हाउ डू यू यूज काउंटर बैलेंसिंग, यू नो रिवर्स स्टीयरिंग, काउंटर स्टीयरिंग एंड ऑल दैट। लुक एट दिस, बिकम सो नाइस, सो कंट्रोल्ड एंड कंपोज्ड। And these are low speed turns, so you don't have to put your leg and all that. Very sharp cuts, but this counterbalancing thing really works. So I've been seeing, and managing a big bike,
आई वॉज नेवर सो कॉन्फिडेंट ऑन दिस कि मैं इस तरह के ट्विस्टीज पे इसको लेके आ सकूँ. दिस इज माई काइंड ऑफ टपरी. यहाँ पीते हैं कुछ चाय वगैरह. लेट्स सी. Okay, here it is. Look at this man, and look at our bike. Our Hulk looks amazing. Wow. मैं कभी कभी बस देखता ही रहता हूँ यार ऐसे ही. Amazing beast है यार ये भी. चलो guys, देखते हैं क्या है. भाभी चाय होगा? ओके, फोन निकाल दिया है. वी नीड अ फोटोग्राफ हियर. ब्यूटीफुल. Hello, hello. Who's a good boy? Oh, sorry. Acha. Bhai log, काफी खराब रोड आ गया है और क्योंकि बारिश भी हुआ है तो रोड में काफी डैम्प है. Have to be extra careful क्योंकि मेरे जो टायर्स हैं ये ग्रेवल के लिए तो नहीं बने हैं भाई. So स्लज मिट्टी के लिए तो नहीं बना है. बट लकीली ज़्यादा पैचेस नहीं है ख़राब. Let's see, hope for the best. ये डिवाइडर्स पे ना मेरे को बड़ा स्ट्रेस होता है. ऐसे कटिंग होती है ना रोड की. इडली सांबर राइट नो. रास्ते में यही सही रहता है. डिफरेंट सिस्टम है यहाँ पे. वापस गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं और फिर निकलेंगे जर्नी पे. चीयर्स गाइस. अभी फ्यूल अप कर लिया है. टैंक फुल कर दिया अपने. 10 लीटर भरा अभी. सो आई थिंक वी वॉन्ट हैव टू स्टॉप एनी मोर क्योंकि अभी 364 किलोमीटर दिखा रहा है. करेंगे बाकी रिफिलिंग वगैरह. ठीक है चलो गाइस, सी यू आफ्टर सम टाइम. Is all set. I think आवाज़ आ रही होगी आपको सही से यार guys. तो अभी चलते हैं full send. Push करते हैं जितना हो सके.
अरे यार क्या कि थ्रू जाना पड़ रहा है और गाड़ी स्किड मार रही है काफी। निकल जाए यहाँ से भाई सही से, एकदम पत्थर यार पूरा लूज ग्रेवल है, ग्रेवल में का बड़े बड़े पत्थर है, टायर कटने का भी चांसेस है। बेसिकली क्या हुआ कि वो शिवला था वहाँ पे, तो शिवले में वो हुआ तो वहाँ पे स्किड कर गया। आई हैव टू गो दैट साइड नो, थैंक यू। तो अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता है, आई विल रिलैक्स नाउ बिट, विल क्रूज एट 100, लेट्स सी हाउ मच, वट एवर टाइम इट टेक्स, आई एम नॉट गोना पुश इट, जस्ट रिलैक्स एंड वेट करते हैं, जब तक चलेगा चलेगा, जो टाइम लगेगा लगेगा ही। My only concern is the Bangalore traffic when I get into Bangalore, right? So that's something that I'm worried about. Otherwise, तो ठीक है, मतलब जब तक हाईवे है तब तक तो ठीक है, कोई इशू नहीं। इंटरसेप्टर वाला भाई वापस आ गया है सामने, तो अकेले बहुत बोर रख लगता है, तो कोई अगर सामने रहता है ना तो एकदम रेस भी स्पीड भी एकदम मेंटेन होकर रहता है, तो गाइज आर लाइक मूविंग इन पर्टिकुलर स्पीड। अभी वो सामने है ठीक है, लाइक वी डोंट नो इच अदर, बट वो सामने चलता रहता है, बीच बीच में हम लोग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले उसने क्रॉस किया, तो देन वी बीन राइडिंग अभी टुगेदर। सही है, बट मानना बिल्कुल ही एकदम कॉन्स्टेंट स्पीड पे चलाया जा रहा है। इंटरसेप्टर इज नॉट अ वेरी कम्फर्टेबल बाइक टू राइड सच लॉन्ग डिस्टेंस, वो भी गोवा से आ रहा है अभी, बट मस्त है, गुड राइडर। चलो गाइस अभी लेट मी स्विच इट ऑफ, आई थिंक अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि रेन
हैज इंटेंसिफाइड, बढ़ गया है, थोड़ा फॉगिंग भी हो रहा है. लेट मी ओपन द लिटर बिट. Hey guys, it's 13th, I think. So yeah, it's 13th, and I'm in the hotel room right now. I checked in. We are near Sajapur, Bangalore ke paas. Ab problem ye kya? Last night main bilkul hi record nahi kar paya beyond a point. Jab main pahunch raha tha Bangalore, because extremely bad rain aur bahut buri hai. It was raining cats and dogs. Sab kuch ek gaya. Just barely, I only had the top rain jacket. Big rookie mistake, I didn't carry the bottom one. Joota pura leak kiya, and these shoes are not waterproof, man. This was Porazzo ones, no matter what they say, but wo hai nahi waterproof. So immediately usme water seeping kar gaya. So that is how, and this is how the room is right now. Sab kuch bikhra pada hai. Everything is यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं, तो ये सब सुखा रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे. और हल्क इज़ डाउनस्टेयर्स, तो वो मैंने एक अच्छा काम किया, उसको वैक्स वगैरह एंड वॉशिंग प्रॉपरली करा के, बिकॉज एवरीथिंग वाज मडी एंड ऑल दैट. सो वॉशिंग वैक्सिंग करा के मैंने रख दिया है रेडी फॉर द नेक्स्ट राइड. कैमरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द फाइल्स टू द फोन. आई ट्राई टू एडिट इट ऑन फोन दिस टाइम अराउंड. इफ नॉट आई विल गो बैक होम एंड do the editing, right? But I'll try to get it done here only if I'm able to. Bag sara yahan pada hua hai yaar, aur abhi sab sukha rakhe maine riding, jo mera pant tha wo, but I think ye sukhega nahi because it's been raining here in Bangalore for the last 2 days, a lot of moisture. I don't think ye sukhega, but dekhta hu AC mein jitna ho sake. Basically I've been switching on the AC, to AC ke andar agar thoda dryness hota hai, अगर उसमें कुछ सूख जाता है तो ठीक है, अदरवाइज विल फिगर आउट समथिंग एल्स. बाकी स्टे ट्यून्ड गाइस, नेक्स्ट वीडियो के लिए आई थिंक विल बी बैक फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई. हम्पी के थ्रू जाऊंगा, सो आई हैव बीन वांटिंग टू विजिट हम्पी, तो हम्पी में देख के वहाँ पर विजिट करेंगे, सो आई विल शो यू गाइस अराउंड एज़ वेल. और उसके बाद हम लोग निकलेंगे मुंबई के लिए. चलो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, लाइक इन द वीडियो. इफ यू डोंट लाइक इट, just comment so that I can improve, and always stay positive. Thanks guys.